बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया है। राजस्थान के अनूपगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलियां बरसाई, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ये बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया है राजस्थान सीमा के पास, लेकिन भारतीय जवानों ने इसका डटकर मुकाबला किया और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान की एक बार फिर से नापाक साजिश देखी गई। सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान अक्सर करता रहता है और इस बार राजस्थान में अनूपगढ़ सेक्टर के पास पाकिस्तान ने गोलियां बरसाई। को साधने का मतलब है कई खाड़ी देशों के साथ रिश्ता जोड़ना। जिन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए शी जिनपिंग चीन गए हैं, वहां भी कई देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। और चीन की कोशिश यह है कि पश्चिम एशिया के इन देशों का इस्तेमाल अमेरिका को कमजोर करने के लिए किया जाए। शी जिनपिंग की तरफ से इन सभी देशों को रक्षा सहयोग का भी भरोसा दिया गया। सऊदी अरब को पहले से एक ऐसे साथी की जरूरत है जो ईरान से लड़ने के लिए उसे हथियार दे पाए। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम से बनने वाली चीजों के कारोबार और टूरिज्म तक में सहयोग का वादा चीन ने किया। मतलब ये कि जैसे चीन किसी भी देश को सुनहरे ख्वाब दिखाता है, कुछ वैसा ही दांव शी जिनपिंग ने सऊदी